तो इन दोनों बाज़ूका गन्स को चलाने वाला हूं मैं। बस थोड़ा सा इंतज़ार और बहुत जल्दी अभी मैं चला के दिखाऊंगा कि किस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है। ये वाली गन है हमारे पास, जिसका नाम है बाज़ूका। फर्स्ट टाइम जो मैंने ये मार्केट में देखी तो एकदम से ऐसी लगी है, बिल्कुल अट्रैक्टिव। सो ये लेके आया हूँ मैं, और बिल्कुल नई चीज़ है इस बार इंडियन मार्केट के लिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे एकदम से अट्रैक्ट कर लिया था, यानी मुझे ये लगा कि इससे बेहतर शायद अभी तो और कुछ नहीं है। सो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन डिज़ाइन इसका है, मैं खोल के अभी दिखाऊंगा, ठीक है, और चला के भी मैं दिखाऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और बस थोड़ा सा इंतज़ार है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हैं दो हमारे पास, साथ में इनके ये दिया हुआ है गुलाल इनको फिल करने के लिए। इसके अंदर शायद पहले से ही भरा हुआ है ये, और दूसरी है ये येलो। मतलब ये है कि इतनी बेहतरीन लग रही है ना, उठा के ऐसे लगता है कि हाँ कि कुछ हाथ में आपने बढ़िया सी कोई ऐसी चीज़ उठाई हुई है जिसका अपने आप में ही कुछ ना कुछ ज़बरदस्त मतलब है, ठीक है। तो बड़ा स्टाइलिश सा डिज़ाइन है, मैं इसको खोलता हूँ। और इंडियाज़ फर्स्ट बाज़ूका गन है, ठीक है, कॉक की है। देखो सबसे बड़ी बात ये कि जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं ना, आज तक भरोसा करते आए हैं, कॉक मुर्गे का, यानी इसके ऊपर निशान हमें मिल गया है। दिवाली पर अभी तक हम देखते थे, लेकिन अब होली पर भी हमारे सामने, और एकदम बढ़िया सा डिज़ाइन है गन का। पैकिंग देखो क्या ज़बरदस्त पैकिंग है ना, देखो पूरी बड़ी पैकिंग है। अगर इसको मैं उठा के दिखाऊं तो ये देखो इस तरह की कुछ ये पैकिंग है, इतनी बड़ी। अब इसको देखते हैं, खोलते हैं और इसका प्राइस भी, और फिर चला के देखते हैं इन दोनों गन्स को, देखते हैं कितने दूर इनका ये गुलाल जो इसके अंदर है ये जाएगा। देखो यहाँ से नज़र आ रहा है हमें पूरा, यहाँ से पकड़ने का भी ऐसा एक बढ़िया यूनिक सा हैंडल लग रहा है यहाँ पर ना इसका, ऐसे इसका भी है दोनों में। तो नाम बाज़ूका है, और सबसे ज़्यादा अलग लग रहे थे मुझे ये, यानी मेरा भी ऐसा मन हुआ कि मैं कम से कम दो तो ले ही लूँ। हालांकि एक और कलर मैंने लेके आना है, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊंगा, और अगर मिल जाती है तो, ठीक है। और वो कलर है ग्रीन कलर, यानी ग्रीन में भी बहुत ही, मैं भूल ही गया था कि मैंने जो दो कलर ले रखे हैं अभी अभी लिए हैं, तो उसके बाद इनको लाए हुए मुझे 3-4 दिन हो गए हैं, और मुझे ये बिल्कुल ध्यान नहीं रहा इतनी सारी शॉपिंग में कि मुझे और तीसरा कलर अगर लेना है तो वो कौन सा लेना है। जितने भी कलर होंगे मैं वो लेके आऊँगा, अभी तो दो हैं, इनको चलाएंगे, टेस्ट करेंगे कि कैसा, इनका नाम जैसा है बाज़ूका का काम भी वैसा ही है या नहीं। तो इसका प्राइस बता देता हूँ मैं पहले, तो ये प्राइस इसके ऊपर लिखा हुआ है, और वो प्राइस है यहाँ पर 699 इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बड़ी ज़बरदस्ती पैकिंग है, इसको खोलते हैं और देखते हैं ये कहाँ से खुलेगा पैक। मुझे लगता है ये फाड़ना ही पड़े शायद, तो इसको हम खोलते हैं यहाँ से। या फिर इसको यहाँ से बीच में से निकाल लेते हैं हम, ये कुछ ऐसे रबर बैंड टाइप में दिया हुआ है, इसको यहाँ से खोल के और उठा ही लेते हैं। मन हो रहा है मैं इसको अभी एकदम से हाथ में पकड़ के देखूं कि ये कैसी लग रही है। वाह, ये हैंडल है इसका, यहाँ पे शायद ऐसा कुछ है, और इधर है ये पंप करने का, तो इसको भी मैं रबर हटा के और निकाल लेता। ये पैक हो गया खाली, और ये आ गई है हमारी गन हमारे हाथ में, ठीक है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अभी ये चलेगी कैसे, ये लगा हुआ है यहाँ पर, इसको हटाया तो बस यही है इसका यहाँ से चलने का। इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ, और
अब येलो वाली भी निकाल लेता हूँ। तो ये है फ्रेंड्स येलो वाली, ठीक है, और ये है पिंक। दो गन हमारी बिल्कुल रेडी हैं। इनकी पैकिंग्स को मैं साथ में रख देता हूँ और इनको एक बार, एकदम बढ़िया लग रही है, देखो ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कैसी ये चलती हैं। मतलब ये कि मुझे तो इससे बेहतर गन मार्केट में नज़र नहीं आई। और फिर दूसरी बार हम इसको चलाएंगे खुले में भी, तो एक बार यहाँ देख लेते हैं। और ये है जैसे, वाह क्या बात है ना, पूरा गुलाल एकदम से स्प्रे की तरह उड़ रहा है, ग्रेट, वाह क्या बात, प्रेशर अच्छा है, ऊपर जा रहा है ना फुल, नीचे करके ज्यादा बेटर चल रहा है, ऐसे आगे की तरफ करके। सो ये है, और अब इस पिंक वाले का देखते हैं, है इसके अंदर पर्पल, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पर इसको ऐसे। और ये कुछ, वाह क्या बात है ना, वो बड़ा सॉफ्ट और बड़ा प्यारा सा कलर उड़ा है, देखो है ना ज़बरदस्त। तो ये कुछ इस तरह से है, वाह एकदम खुशबू बहुत ही बढ़िया लग रही है इसकी, और है भी खूब सारा गुलाल इसके अंदर। सो ये है फ्रेंड्स एकदम बढ़िया सा कुछ जो इस बार हमें मिला है होली पे। अब सिर्फ बचा है कमेंट जो आपको करना है इन गन्स के बारे में। ये सब यहाँ पर बिखर गया ना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और सिर्फ आपको जो बताना है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। गुलाल जो उड़ता है एकदम बेहतरीन लगता है, और खुशबू भी काफ़ी अच्छी है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट बहुत जल्दी ही आने वाली है, और तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी और सुरक्षित रहना है होली मनाते हुए, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और बढ़िया सी वीडियो में। एकदम खुशबू बहुत ही बढ़िया लग रही है इसकी, और है भी खूब सारा गुलाल इसके अंदर। सो ये है फ्रेंड्स एकदम बढ़िया सा कुछ जो इस बार हमें मिला है होली पे।